विगत 66 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद ब्यावर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पूरक बजट में ब्यावर को जिला बनाने की घोषणा के बाद से ही पूरे शहर में खुशियां छाई हुई है। ब्यावर को जिला बनाने में सहयोग करने वाले जनप्रतिनिधि हो या शहरवासी या फिर प्रशासनिक अधिकारी, सभी का ब्यावर के जिला बनने पर उन्हें बधाइयां देते हुए उनका अभिनंदन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेसजनों का एक शिष्टमंडल पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा के सानिध्य में एसडीएम कार्यालय पहुंचा, जहां पर उपस्थित सभी ने एसडीएम मधुर सिंह से उनके द्वारा जिला बनाने के लिए भेजी गई पॉजिटिव रिपोर्ट पर उनका आभार जताया तथा उन्हें ब्यावर जिला बनने पर बधाई दी। इस दौरान शिष्टमंडल ने एसडीएम सिंह को माला तथा साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान एसडीएम सिंह ने कांग्रेस शिष्टमंडल से चर्चा करते हुए कहा कि अधिकारी तो आते जाते रहते हैं, जिला बनाने की लगन जो शहर के जनप्रतिनिधियों ने शहरवासियों के साथ मिलकर जो 66 वर्षों का लंबा संघर्ष किया गया, उसी का परिणाम है कि आज ब्यावर जिला बन पाया है। इस दौरान एसडीएम सिंह ने उपस्थित सभी कांग्रेसजनों का उनका सम्मान करने पर आभार प्रकट किया। इसके बाद कांग्रेस शिष्टमंडल सहायक पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी का भी ब्यावर को जिला बनाने में सहयोग देने का आभार प्रकट करते हुए चौधरी को माला और साफा पहनाकर उन्हें ब्यावर के जिला बनने की बधाई दी। इस दौरान सहायक पुलिस अधीक्षक चौधरी ने भी उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा उनका स्वागत करने पर आभार जताया। स्वागत करने के दौरान पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा, बालूराम सेन, रामलाल लखन, मगन सोलंकी, जीवराज जावा, रामस्वरूप डागर, मुकेश लखन, दिलीप गौरा, पार्षद रामनिवास सेन, अशोक मुंद्रा, अरविंद भटनागर, मदन मेघवाल, राधिका शर्मा तथा जानवी भारवानी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे।